जनमन देख रहे हैं आप दिबांग और मेरे साथ, और हम बात करेंगे शहीद की पत्नी के साहस और शौर्य की। देहरादून की हम बात कर रहे हैं। देहरादून की रहने वाली एक शहीद की पत्नी ने अपने पति के रास्तों पर ही चलने का फैसला किया है। पति की मौत के बाद टूट चुकी संगीता मल 2.5 सालों बाद एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। वो सशस्त्र सीमा पुलिस की परीक्षा पास कर दुश्मनों को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सच कहते हैं, सेना के जवानों की साहस और शौर्य के पीछे उनके परिवारों का भी बड़ा योगदान होता है। दुश्मनों से लड़ते लड़ते हमारे कुछ जवान शहीद हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का हौसला कमजोर नहीं पड़ सकता। आज इस बात को संगीता मल ने एक बार फिर साबित किया है। संगीता के पति शिशिर मल देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, लेकिन अब उनकी पत्नी उन्हीं की तरह देश की रक्षा के लिए सेना में जाएंगी। करंटली PNB में एम्प्लॉयड हूँ और हरिद्वार में मेरी पोस्टिंग है, और अभी पिछले हफ्ते ही SSB की लिस्ट आउट हुई है जिसमें मेरा नाम है। सो बहुत भी प्राउड फीलिंग है, भी लग रहा है कि हाँ वो फेज गुजर गया है, और इसमें इससे बाहर निकलने में फैमिली ने काफी और दोस्तों ने बहुत हेल्प करी मेरी। संगीता मल ने बैंक की नौकरी छोड़कर सेना में शामिल होने का फैसला किया है। संगीता के इस फैसले के साथ उनका पूरा परिवार है। संगीता के पति शिशिर मल राइफल मैन थे। 2 सितंबर 2015 को बारामूला सेक्टर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहीद हो गए थे। संगीता उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि कैसे अचानक पति की मौत की खबर के बाद पूरा परिवार टूट गया था। 2 सितंबर 2015 को ये न्यूज़ हम तक पहुंची और एक तरह से फैमिली के लिए बहुत बड़ा शॉक था, स्पेशली मेरे लिए। मतलब मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ सुना है मैंने या ऐसा कुछ हो भी गया है। लेकिन अब एक बार फिर परिवार के समर्थन और हौसला अफजाई के बाद संगीता खुद को संभाल चुकी हैं, बल्कि अपने पति की तरह ही दुश्मनों के खिलाफ मोर्चा लेने को भी तैयार दिख रही हैं। चयन के बाद अब संगीता ट्रेनिंग के लिए जाने की तैयारी में हैं। देखिए, आपने कमाल की है खबर। और दिबांग, जब भी मैं ये खबरें देखती हूँ इस तरह की, मेरे मन में ये भाव जरूर आता है कि आप देखिए इन परिवारों को, इनके सदस्य बॉर्डर पर जाकर लड़ते हैं। मतलब फोन की घंटी भी बजे तो सिरहन उठ जाए कि जाने क्या खबर आए। बावजूद इसके आप इन साहसी महिला को देखिए, अपने शहीद पति के कदमों पर ही आगे बढ़ना चाहती हैं और फक्र से उस बात को कह रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इनको जनमन की तरफ से सलाम है, इनको नमन है, और मुझे लगता है कि सेना को और समाज को ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो जिनके पति शहीद हो चुके हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बड़ी बात है, और कितनी बड़ी बात है, कितनी गर्व की बात है कि वो अपने पांव पर खड़ी होती हैं, अपने परिवार की देखरेख करती हैं। बिल्कुल, संगीता मल को हमारा सलाम। ये है ABP News, आपको रखे आगे।